इन्हें बचाओ जन आंदोलन के संयोजक तथा वृक्षाई के संस्थापक कुशाब कायरकर, इन्हें उम्र के 60 वर्ष पूरे होने पर उनके सम्मान में एक निवृत्ति समारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया है। श्री कुशाब तथा सौ प्रतिभा कायरकर को सपत्नीक शाल श्रीफल पुष्प गुच्छ देकर सत्कार किया गया। पंजाब नेशनल बैंक जटपुरा के मुख्य शाखा में विशेष सहायक पद पर कार्यरत कार्यकर ने कुल 40 वर्ष 5 महीने ऐसी प्रदीर्घ सेवा करते हुए सेवा का एक कीर्तिमान स्थापित किया। ऐसा विचार अधिकारी तथा कर्मचारियों ने विदाई समारंभ के दौरान व्यक्त किया। बैंक के नागपुर मंडल के मंडल अधिकारी आशीष चतुर्वेदी ने दूरध्वनि के माध्यम से कार्यकर को उत्तम स्वास्थ्य, समाधानी जीवन तथा दीर्घायुष की शुभकामना दी। कार्यकर ने ग्राहकों को समाधानकारक तथा उत्कृष्ट सेवा देते हुए बैंक के हित को साधते हुए जमा राशि तथा अधिक से अधिक ग्राहक मिलाकर देने का कार्य किए जाने की बात मुख्य प्रबंधक कुमारी आदित्य ने व्यक्त किया। नागपुर मंडल पंजाब नेशनल बैंक कर्मचारी सेना के अध्यक्ष महेश बारापात्री ने कार्यकर गरीब व दुर्बल घटक, महिला गट, आशा वर्कर, पेंशनर और शिक्षित ग्राहकों को मानवता की भावना से सेवा दे रहे थे, ऐसा विचार व्यक्त किया। कर्मचारी सेना के सचिव रमेश बाजीराव ने कार्यकर की सेवा भावी तथा सभी को मदद करने के स्वभाव के कारण कार्यकर या ग्राहकों के पारिवारिक समस्या बताकर मदद करने की विनती करते थे, ऐसा कहा। सत्कार मूर्ति कुशाब कायरकर ने प्रदीर्घ नौकरी कार्यकाल के दौरान लोगों को सेवा किए जाने से लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिसके कारण मैं समाधान हूँ, ऐसा विचार व्यक्त करते हुए और आगे का जीवन समाज सेवा में अर्पित करने का मन बताया। इस विदाई समारोह में ऑडिटर सुशील कुमार, वरिष्ठ प्रबंधक अर्चना चांदे, प्रबंधक सोनूराम कुड़मेथे, अधिकारी किशोर इटनकर, विद्या स्वामी, सेवानिवृत्त रत्नाकर जैन, किशन कुमरे, कर्मचारियों में अर्पिता मंडल, कुलसुम कुरेशी, योगेश जाधव, मिली निमजे, अमोल मोहरले, सुनील सांगोड़े, सिद्धू सांगोड़े, करण कांबड़े, नागपुर के कर्मचारी सेना के पदाधिकारी संजय भावनी, गुणवंत सेट्टे, मनोज बिडवार, शायद साथी कुशाब कायरकर की बेटी भूमि कायरकर भी उपस्थित थी।